हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और लूसीफर कर रहा है, आया है हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे, और हम लोग इसको लेके जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। और बस इसको वॉक करा के सीधे चलते हैं ऊपर, चलेंगे ऊपर चल के किचन में बनाते हैं अपनी गर्मा गर्म चाय। और इधर ये मैं चाय बना रही हूँ, अदरक वाली मज़ेदार। आ जाइए आप सब लोग भी पी लीजिए चाय। और मैं जल्दी जल्दी यहाँ चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरे वो हाउस हेल्पर आंटी हैं, वो आने वाली हैं। वो भी सुबह सुबह जल्दी आ जाती हैं 6:30 बजे तक। तो आंटी आ चुकी हैं, मैं उनको देख के हंस रही हूँ कि आंटी आप आ गए। तो हाँ, आंटी हंस रही हैं, हाँ मैं आ गई। अब आंटी यहाँ पे अपने बर्तन साफ करेंगी और मैं चाय बना लूँगी। हेलो कर दो सबको। हेलो 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 सबको, बोल दो सब अपना ध्यान रखो ठंड में अच्छे से। सबका ध्यान रखो साहब ठंड में। आओ उधर आओ उधर कैमरे के सामने। सबका ध्यान रखो ठंड में और खुद का भी रखो। खुद का भी रखो। अरे आंटी बहुत अच्छी हैं हमारी, देखो सुबह सुबह कितना काम करती हैं, सुबह सुबह आ जाती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। आप चाय बना लेते हैं, इधर बन रही है हमारी चाय। आंटी कर रही है अपना काम, मैं कर लेती हूँ अपना काम। और यहाँ पर ना मैं चाय बना रही थी, आंटी कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, मेरे को कम समझ में आ रहा था। किसी गांव का नाम ले रही थी जहाँ पे कि ठंड से जो सरसों हमारी जो फसल होती है वो ख़राब हो चुकी है, लेकिन मुझे कम कम समझ में आ रहा था। मैं आपको सुनाती हूँ। नुआई का मार में ऐसा गेड़ा पड़िया आंटी, जो कत्ते ही छूटड़ा गया तनिया वही ना, ये मौसम ऐसा हो रहा है ना बेमौसम की बारिश है। बारी 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 गड़ा पड़ा है, बहुत गड़ा पड़ा है, घना गड़ा धनिया बड़ा चित्र पड़ा है खेता में। चलो हम अपनी चाय पीते हैं, आंटी को अपना काम करने देते हैं, चाय पी लेते हैं जब तक। और यहाँ एक किन्नर लूसी के साथ खेल रहा है और मैं चली बालकनी में थोड़ी देर बैठने के लिए। तो यहाँ देखो, यहाँ से आपको व्यू दिखा रही हूँ अपनी बालकनी से, और हमारा गेट दिख रहा है जो हमारी सोसाइटी का गेट है, बाहर का मेन गेट दिख रहा है। और एकदम ठंड हो रही थी, वापस से चाय पीने का मन किया बालकनी में बैठ के। अब यहाँ से चलते हैं अपने किचन में और बना लेते हैं अदरक वाली चाय। और ये मेरी यहाँ मैंने चाय बना ली थी, और ये रात को राजमा और उड़द की दाल, दाल मखनी बनाने के लिए मैंने भिगो के रख दिए थे। अब बनाएंगे दाल मखनी, तो इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और हल्दी थोड़ी सी, और इसको बॉईल कर लेंगे। और बॉईल करने के बाद इसमें 8 से 10 सीटी लगा लेते हैं, फिर देखते हैं कि बॉईल हुए या नहीं। मीडियम फ्लेम पे 8-10 सीटी ले लेते हैं इसमें। ये देखो इधर, ये मैंने इसमें सीटें लगवा ली और ये बॉईल हो चुके हैं, अच्छे से गल गए हैं हमारे राजमा उड़द। और अब इसका हम तैयार करेंगे तड़का। मैं यहाँ चेक कर रही हूँ और ये अच्छे से गल चुके हैं, यही दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि ये ठीक से गल गए। अब यहाँ मैंने ये रख दिया एक पैन, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, कुकिंग ऑयल। और इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा देसी घी और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे।
दोनों को गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद में ये मैंने इसमें डाल दिए दो तेज पत्ते, थोड़ा सा खड़ा मसाला, दालचीनी का टुकड़ा, इन दोनों का फ्लेवर आ जाए ऑयल में। फिर डाल देती हूँ मैं यहाँ पे जीरा एक चम्मच, ये गया इसमें एक चम्मच जीरा, और जीरे को तड़कने देते हैं। इधर मैंने क्या किया, चॉपर में दो प्याज और हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक उसको चॉप कर लिया बारीक बारीक, और इनको मैं डाल रही हूँ उसमें पैन में। ये सारा पैन में डाल के प्याज को भून लेंगे अच्छे से। इस चॉपर में क्या चिपक जाता है इसलिए मैंने उसको सारा निकाल के डाला, और इधर मैं ये प्याज को अच्छे से भून रही हूँ। हमारी प्याज भून रही है अच्छे से। टमाटर और हरी मिर्ची फिर से चॉपर में चला लूँगी, उसी चॉपर में जिसमें हमने प्याज चॉप की थी उसी में मैं अदरक को भी कर लूँगी। चॉपर में बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है और बहुत ही इजी भी होता है, झटपट से हमारा काम हो जाता है। यहाँ मैं इसको देख रही हूँ बार बार कि इसमें क्या हो रहा है, इसको मैंने ठीक से बंद नहीं किया था। अभी हो गया ठीक से, अब इसको चला लूँगी। और उधर वो मैंने अदरक और लहसुन को हल्का सा कूट लिया था वो रख लिया है मैंने, और अभी अदरक को और थोड़ा बारीक कर लेती हूँ। इसमें अदरक है एक इंच अदरक का टुकड़ा है, और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं, इनको मैंने हल्का सा इसमें कूट लिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दाल मखनी में। आप चाहो तो अदरक का और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उधर हमारी प्याज भी देखो हल्की हल्की सी भुंजने लगी है, हल्की पिंक हो गई है, इसको भी मैं साथ के साथ चेक कर रही हूँ। इसको चला लिया, अब इसमें मैं डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैंने उसमें कूट के रखा है उसको डाल दूँगी। और ये प्याज देखो ब्राउन हो गई, अब मैंने इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, एक अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट से। और अब इसको अच्छे से चला लेते हैं, भून लेते हैं। इसको भूनना बहुत जरूरी है अच्छे से, मैं इसको लगातार चलाते हुए भून लूँगी इसको प्याज के साथ साथ। हमारा प्याज लहसुन अदरक तीनों भूंज रहे हैं और अच्छा सा कलर आ गया है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा कलर आ गया है, सब अच्छे से भून चुके हैं। इसमें डाल दी हल्दी, हल्दी डाल के इसको चला लिया थोड़ा सा। अब जाएगा इसमें टमाटर, जो टमाटर और हरी मिर्ची का हमने पेस्ट बना के रखा है ना चॉपर में, इसको चला लिया था, ये गया इसमें। अभी टमाटर को भी बहुत अच्छे से भून लेंगे, चलाते हुए पका लेंगे ठीक से। अभी टमाटर हमारे पक जाएंगे थोड़ी देर में। इसमें नमक डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि हमने दाल को बॉईल करते हुए भी नमक डाला है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक और डाला है, जिससे कि ना टमाटर जल्दी से गल जाए। ये देखो मसाले से ऑयल अलग हो रहा है। अच्छी तरह से
मैंने यहाँ गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर दिया है, इससे मसाले जले नहीं हमारे। और इसमें लाल मिर्ची एक चम्मच, धनिया पाउडर एक से डेढ़ चम्मच, फिर साथ में इसमें डाल दिया मैंने गरम मसाला पिसा हुआ। अब ये सारे मसाले डाल दिए मैंने इसमें, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं अच्छे से चला के। अभी भून गए, और वो जो चॉपर में मैंने प्याज कट करी थी टमाटर की, तो उसमें थोड़ा सा पानी हिला के डाल देते हैं। मैंने पानी डाल दिया, अभी भून रहे हैं मेरे मसाले, इनको ढक दिया है मैंने थोड़ी देर के लिए। अब देख रही हूँ मैं, दो मिनट बाद, दो मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दिया था, और दो मिनट बाद ही देखो सारा जो ऑयल है ना वो मसाले से अलग दिख रहा है, मतलब मसाला अच्छे से हमारा भून के तैयार हो गया। अब इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा क्रश करके, और दाल मखनी में कस्तूरी मेथी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है, अच्छी सी महक आती है इसमें। और अब हम इसको भूंज के अच्छे से, इसमें जो हमने दाल राजमा बॉईल करके रखे थे उनको डाल देते हैं इसके अंदर। ये यहाँ पे मेरा बेटा हेल्प कर रहा है मेरी, ये वो डाल रहा है। और इसको मिक्स कर रहा है क्योंकि मेरे एक हाथ में बहुत दर्द है, तो मेरे से जल्दी जल्दी मिक्स नहीं होता, तो उसने कहा कि आप मेरे को दो और एक और चम्मच दो, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो मिक्स कर रहा है, ये देखिए, और ये हमारी बनके तैयार हो चुकी है दाल मखनी, और इसमें हरा धनिया गया खूब सारा। अब इसमें धनिया डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमारी घर की क्रीम जाएगी, जो मैंने फ्रेश क्रीम निकाल के रखी है, जो हमारे दूध आता है इसकी, और ये 2 से 3 टेबल स्पून है। और ये जो घर की जो क्रीम आप डालोगे ना फ्रेंड्स, तो इसका देखना आप कलर देखोगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, मतलब आपके मुंह में पानी आ जाएगा देखते। ये देखो क्या कलर आया है, और बहुत इतनी टेस्टी ये दाल बनी थी ना कि सबने इसको दो दो बार खाया। नान के साथ में दाल हम लोगों ने खाई थी, बहुत टेस्टी लगी। मैंने इसके साथ बनाए थे बटर नान, और ये गया इसमें बटर। और ये हमारी दाल होगी बनके तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।